संस्था में आपका स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर। मेरा नाम सुरभि है और इस चैप्टर में हम आज़ादी कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं बालचंद्रन चिल्लुकर। ये एक मलयालम कवि है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, मलयालम साहित्यकार हैं। और उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो अमावसी, पतिनेतु और कवितकव्व, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखते हैं इन्होंने आज़ादी कविता के बारे में क्या बोला है। इस कविता में एक शागिर्द है जो अपने उस्ताद से पूछता है आज़ादी क्या है। वो कुछ संदर्भ में बात भी रखता है और पूछता है कि क्या यही आज़ादी है या आज़ादी के मायने कुछ और है। तो देखते हैं इस कविता में। ये चैप्टर 7 का पार्ट 1 है, आज़ादी कविता है। ये कवि है जिसके बारे में हमने आगे देखा। देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। आप कभी कभी यह सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। जब कभी आपको कोई टोकता है या आपको बुरा लगता होगा, आप शायद नाराज भी होते होंगे कि आपको वो करने नहीं दिया, आपको कहीं जाने नहीं दिया, राइट? आप पर किसी तरह का बंधन न होता तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते, जैसा आप चाहते वैसा कर पाते, जहाँ घूमना फिरना चाहते हैं आपकी इच्छा अनुसार कर पाते। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है, कुछ बनने के लिए अनुशासन जरूरी है। आज जिसे आप आज़ादी समझ रहे हैं, वह कल अनुशासन के अभाव में बंधन भी बन सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए आज़ादी के मायने क्या होते हैं, आज़ादी के संदर्भ में उसकी क्या क्या जिज्ञासाएँ होती हैं, आइए इन सवालों से परिचित होने के लिए मलयालम के प्रतिनिधि कवि बालचंद्रन चिल्लुकर की कविता का आनंद उठाते हैं। ये उसका पहला अंश है कविता का कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके सागिर्द ने। क्या वह चरागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसके काम ना करता है वह लैंप पोस्ट, निश्चित में या आनंद कपड़े, शाश्वत रूप में गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति, क्या है आज़ादी? तो जैसा कि आपने पढ़ा कि इस कविता में दर्जी से उसके सागिर्द ने पूछा कि आज़ादी का क्या अर्थ होता है। इस सवाल के साथ साथ सागिर ने अपनी ओर से कई संदर्भों का भी वर्णन किया कि आज़ादी का अर्थ क्या अर्थ जानना चाहा। उसने अपने गुरु के सामने यह जिज्ञासा रखी कि क्या चरागाह में नन्हे से बछड़े का उछल कूद करना या बेफिक्र और खुश रहना अर्थात उच्छृंखलता का नाम ही आज़ादी है। दूसरा संदर्भ देते हुए सागिर्द ने कहा कि लगभग असंभव समझने वाले काम को पूरा करने का दुस्साहस को आज़ादी कहा जा सकता है। सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का काम कुछ ऐसा ही है। सागिर्द ने यह भी पूछा कि उत्तर दिशा में जो सीटी बजाती हुई तेज भागती रेलगाड़ी है, क्या उसका नाम तो आज़ादी नहीं है? यहाँ आपके मन में सवाल उठ सकता है कि रेलगाड़ी किसी अन्य दिशा में क्यों नहीं जा रही है, सिर्फ उत्तर दिशा ही क्यों? दरअसल यह कविता मलयालम में लिखी गई है जो केरल की भाषा है और कवि भारत के दक्षिणी हिस्से का है, इसीलिए वो रेलगाड़ी उत्तर दिशा में भगाने की बात कर रहा है। ओके, समझ गए ये बात? तो केरल से चलने वाली गाड़ी केरल केवल उत्तर दिशा की ओर ही जा सकती है, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि केरल की बाकी तीनों दिशा में समुद्र है। वैसे यहाँ पर कवि शागिर्द के माध्यम से उस्ताद से प्रश्न करता है कि क्या सैर सपाटा या घूमना फिरना आज़ादी होता है। वास्तव में कुछ लोग खास तौर पर 12-13 वर्ष की उम्र के किशोर घूमने फिरने या सैर सपाटे को ही आज़ादी मानते हैं, जाहिर सी बात है। हम सब जानते हैं कि इतनी आयु के जो लोग होते हैं वो
इसी को आज़ादी मानते हैं कि हाँ मेरे घर से तो काफ़ी छूट है, हम कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, है ना। इसीलिए सागिद का यह प्रश्न पूछना अनुचित नहीं है, वो जानना चाहता है, इसलिए ये प्रश्न पूछना उसका गलत नहीं है। अपने अगले प्रश्न में सागिद पूछता है कि क्या अंधेरे में भटकने वाले को लैंप पोस्ट मिल जाए और उसकी परेशानियां समाप्त हो जाए तो क्या वो उसके लिए आज़ादी हो जाएगी। इस प्रश्न को यूँ समझते हैं कि हम किसी यात्रा पर निकल रहे हैं और यात्रा के दौरान अंधेरा हो गया और अंधेरे में हमें कहीं आश्रय मिल जाता है और हम रुक जाते हैं, तो क्या कुछ समय के लिए हमें वो रुकना यानी कि यात्रा का अंत हो गया, क्या हम इसको आज़ादी समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह शागिर्द ने ये पूछा कि क्या कोई मुसाफिर है जो अंधेरे में किसी लैंप पोस्ट के नज़दीक रुक जाता है तो क्या उसने मंजिल प्राप्त कर ली। आज़ादी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए वह फिर पूछता है कि क्या निश्चिंत अर्थात बेफिक्र होकर सो जाने का नाम आज़ादी है। इस तरह 5 प्रकार के संदर्भों का उल्लेख करके कविता का मूल बिंदु हमारे सामने आता है। यहाँ सागिद के मन में जो प्रश्न उभरे हैं उसकी चिंतन क्षमता को बता रहे हैं, यानी कि उनकी चिंतन क्षमता यानी उसकी सोचने की क्षमता को बता रहे हैं कि वो कितनी दूर तक कैसे कैसे सोच रहा है। शागिर्द अपनी मुक्ति या आज़ादी के बारे में पूछता है कि अनंत कपड़ों के ढेर या सिलाई मशीनों के निरंतर गतिशील हो रहे पहिए या कपड़ों पर अनवरत चलने वाली सुइयों से मुक्ति पाने का नाम तो आज़ादी नहीं है कि जो पूरा दिन ये काम कर रहे हैं फिर उनको उससे रेस्ट मिल जाता है तो क्या उसका नाम आज़ादी नहीं है। आशय है कि क्या कर्म से मुक्ति ही आज़ादी है। कर्म से मुक्ति, हम जो कर्म करते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है तो क्या वो आज़ादी है। ज़रा सोचिए कि क्या आपके मन में भी देश की आज़ादी किस प्रकार की होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि आज़ादी किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके बारे में तरह तरह के विचार नहीं आते। लेखक की आज़ादी की व्याख्या के बारे में आप क्या सोचते हो। जब हमने ये चैप्टर का नाम लिया कि आज़ादी, तब आपके मन में क्या विचार आया वो जरूर बताना। कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि हमारे समाज में आज़ादी को लेकर अनेक संदर्भों में देखा जाता है। आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से मिली वो आज़ादी नहीं है, वो अलग अलग तरह की आज़ादी है, अलग अलग संदर्भ में आज़ादी है जिसका उल्लेख कवि ने यहाँ पे किया। कभी कभी उन्मुक्तता, उच्छृंखलता, मनमर्जी, सैर सपाटे, गैर जिम्मेदारी, तत्कालिक तथा सीमित लाभ और कर्महीनता को ही आज़ादी मान लिया जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, इसको आप आज़ादी मान लेते हो। गैर जिम्मेदारी, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है अपनी फैमिली का या कुछ भी, आप उसे आज़ादी मान लेते हो। सैर सपाटे, आप कहीं भी बिना बताए जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ चिल आउट कर सकते हो, ये सब को आप आज़ादी मान लेते हो। मन मर्जी, आपका जो मन चाहे वो करते हो, आप उसको आज़ादी मान लेते हो। ये सारे संदर्भ व्यक्तिगत और मामूली आनंद से प्रेरित है, मामूली आनंद से प्रेरित है। आज़ादी का अर्थ जिम्मेदारी की भावना भी लिए है कि जबकि उपरयुक्त संदर्भ में गैर जिम्मेदारी लिए हुए हैं। आज़ादी का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी की भावना, लेकिन हम क्या सोचते हैं? गैर जिम्मेदारी, जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है वो आज़ाद है, हम ऐसा सोचते हैं। सागिर्द अपने आसपास आज़ादी के कितने संदर्भ देखता है और उनका वर्णन करते हुए उस्ताद से पूछता है कि क्या ये सब आज़ादी के विभिन्न रूप है या फिर आज़ादी कुछ और है। सागिर्द क्या पूछता है कि उसने जो संदर्भ दिए 4-5, क्या वो आज़ादी है या फिर किसी और को हम आज़ादी बोल सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसे आगे देखेंगे। बाय बाय।